हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 आपके लिए लेकर आए। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 6 तक कवर करवा चुके हैं आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पर हम आई बटन पर लिंक दे देंगे आपको, जहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख सकते हैं। गाइज, हम 6 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक हमने कवर कर लिए हैं और आगे आने वाले टाइम में और इससे भी दुगने तिगने क्वेश्चंस हम कवर करवाएंगे आपको, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बाहर ना जाए। गाइज, एक और चीज बता दें, अब तो हम आपसे बोलते थे 110% नहीं जाएंगे, बट अब हम आपको बोल सकते हैं 150% आपसे बोल सकते हैं कि यहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसका रीजन भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। अब टाइम कम बचाएं, सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है, पूरी डिटेल के साथ यहां पर हम कवर करेंगे जीके के क्वेश्चंस आज। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर, दोनों जगह मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आबकारी आरक्षक स्पेशल टेस्ट सीरीज अभी तक हमारी ज्वाइन नहीं किए, कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसके अलावा गाइस, FLT आप जरूर से लगाएगा, क्योंकि FLT जितने ज्यादा आपको लगाएंगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम भारत का पूरा करंट अफेयर आपको कवर करवा रहे हैं। हमारा नया वीडियो जो है ये आ चुका है, भारत में पहली बार वाला वीडियो, उसमें मध्य प्रदेश के भी काफी क्वेश्चंस डले हैं और भारत के भी डले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार आपके लिए भारत का करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं। और ये जो चैनल है, इस पर हम आपको मध्य प्रदेश के जीके साइंस कवर करवा रहे हैं, क्लियर है। तो उसके वीडियोस भी आप जरूर से देखा करें, क्योंकि 10 से 15 मिनट के वीडियोस होते हैं जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन हम आपको कवर करवाते हैं बिल्कुल कम टाइम में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी तैयारी पे उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। तो बस इसी यही मकसद है हमारा, और आप जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की जो स्थापना की थी, ये विजयालय ने की थी। विजयालय यहां से हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चोल वंश का संस्थापक ये माना जाता है, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए चोल वंश का जो संस्थापक माना जाता है, चोल राजवंश का, ये विजयालय को माना जाता है। इसके अलावा गाइस, दक्षिण का जो चोल साम्राज्य है, इसका विस्तार बेसिकली दक्षिण में हुआ करता था, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण का जो चोल साम्राज्य है, ये 9वीं शताब्दी से जो है उभरा था, याद रखिएगा 1850 के समथिंग से एक और 1279 यहाँ पर, या आप ये नोट डाउन कीजिएगा, इसके बीच में ये जो राजवंश है इसने शासन किया था। तो याद रखिएगा, ये करीबन 9वीं शताब्दी के लगभग जो है उभरा था और दक्षिण भारत का बेसिकली इसका क्षेत्र था यहाँ पर। इसके अलावा विजयालय जो था, इसने 1850 जो कि हमने दे रखे हैं 850, इसमें तंजोर यहाँ पर एक स्थान था, तंजोर पर कब्जा कर लिया था इसने विजयालय ने, और यहाँ पर नरकेसरी की उपाधि इसने विजयालय ने धारण की थी, या इसको प्रदान की गई थी, ये सभी आप याद रखिएगा। चोलों की जो प्राचीन राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा, चोलों की जो प्राचीन राजधानी है ये पलिया इसको बोलते हैं, पलिया इतना याद रखिएगा, और बाद में रई लगा लीजिए, तो पलिया रई इसको बोला जाता है, चोलों की ये प्राचीन राजधानी होती, क्लियर है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन आपको बता दें, सबसे महान चोल शासक कौन था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे महान चोल जो शासक था, इसका नाम है राजा, याद रखिएगा, राजा और राजा जिसको बोला जाता है, राजेंद्र प्रथम, कौन था एक ये था, देखिए राजा और राजेंद्र प्रथम, तो दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि इनके बारे में दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं और यहां से हम आपको पूरी चीजें कवर करवा देंगे। बट इसी क्वेश्चन में अगर हम सारी चीजें कवर करवा देंगे तो आपके दिमाग से ऊपर से सारा निकल जाएगा। और हम एक और लास्ट क्वेश्चन करवा दें चोल वंश से रिलेटेड, कि चोल वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था, तो राजेंद्र तृतीय आप कर लीजिएगा, ये चोल वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर बस इतने ही क्वेश्चन से आप याद रखिएगा, आगे इससे क्वेश्चन बनेगा और हम आपको कवर करवा देंगे। गाइज, हम इसलिए आपसे बता रहे थे कि 150% आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि गाइज इस वीडियो में अब हमने जो है आपकी डिमांड पर ही MP कॉन्स्टेबल पुलिस 2022 में जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी अब आपके लिए लेकर आ गए हैं। और आज का जो पूरा हमारा ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, इसमें पूरे क्वेश्चंस पुलिस के हैं 2022 में जो एग्जाम हुई है वो, तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और आपका सिलेबस भी पूरा पहले पुलिस के सिलेबस पर बेस्ड है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 110% क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि पूरी डिटेल के साथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय क्रिकेटर विदेश में पहला टेस्ट शतक बनाने का गौरव रखता है। इनका सही जवाब आपको बताना है, सही जवाब रहेगा सैयद मुश्ताक अली, यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय क्रिकेटर है ये, विदेश में पहला टेस्ट शतक बनाने का गौरव प्राप्त है इनको, सैयद मुश्ताक अली इनका नाम है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और आक्रामक टेस्ट बल्लेबाज के नाम से इनको जाना जाता है, सैयद मुश्ताक अली इनका नाम है। गाइस, एक और इनसे क्वेश्चन बनता है कि इनका निधन कब हुआ है ना, इनका निधन अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही हुआ है, तो इनका निधन हुआ है 2015 में,
2015 में, और अगर आपसे डेट भी पूछी जाए तो 18 जून को हुआ है। 18 जून को 2015 में इनका निधन हुआ है, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनता है। ये निधन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, जन्म वाले तो खैर पूछे ही जाते हैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा, और इनके बारे में कुछ स्पेशल चीज हम बता दें कि देखिए मुश्ताक जो अली है, सैयद मुश्ताक अली टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज है। ये पॉइंट आपको कवर करवा दिया हमने गाइस। 1936 में इंग्लैंड में इन्होंने, ये जो है इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, यहाँ पर इन्होंने ये कमाल किया था, यहीं पर इन्होंने ये कारनामा किया था, याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय घरेलू जो T20 सीरीज होती है उसका जो नाम है वो भी इनके नाम पर ही रखा गया है, मुश्ताक अली के नाम पर। मुश्ताक सीरीज इसके नाम पर रखा गया है, सीरीज का नाम मुश्ताक के नाम पर ही रखा गया है, मुश्ताक अली के नाम पर। इसके अलावा एक और बल्लेबाज है सीके नायडू, जिनको जाना जाता है सीके नायडू, आप सभी पहचानते हैं। तो उनके साथ रणजी ट्रॉफी में होलकर की तरफ से जो है ये खेले थे, ऐसा भी माना जाता है। इसके अलावा कई सारे अवार्ड वैसे तो इनको मिले हैं, बट अगर हम बात करें 1964 में स्पेशल अवार्ड इनको दिया गया था और उसका नाम है पद्मश्री सम्मान। पद्मश्री से 1964 में इनको सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन भारतीय क्रिकेटर विदेश में पहला टेस्ट शतक बनाने का गौरव रखता है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है शिखर धवन इनका नाम है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दमोह जिले को किस वर्ष सागर जिले से में जोड़ा गया और उप संभाग के रूप में प्रशासित किया गया है। दमोह जिले की यहाँ पर बात की गई है कि दमोह जिले को किस वर्ष में सागर जिले में जोड़ा गया और उस उप संभाग के रूप में प्रशासित किया गया था। तो ये क्या गया था, 1932 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा में प्रतिवर्ष रिक्त स्थान के महीने में खारची उत्सव मनाया जाता है, क्लियर है। त्रिपुरा आपसे, ये त्रिपुरी एक मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंतर्गत आती थी प्राचीन काल में, बट अभी जो है ये त्रिपुरी नहीं है, त्रिपुरा है, ये राज्य है आपका, आप सभी को पता होगा त्रिपुरा। अब ये त्रिपुरा में हर साल मनाया जाता है, प्रतिवर्ष रिक्त स्थान के महीने में खारची उत्सव मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जुलाई के महीने में खारची उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में, याद रखिएगा। खारची जो पूजा है ये बेसिकली एक पर्व है या पूजा इसको बोला जाता है, उत्सव भी आप बोल सकते हैं। ये एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार इसको माना जाता है। और ये कब आयोजित होता है, तो हर साल जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है इसमें ये आयोजित होता है। और इस उत्सव के दौरान त्रिपुरा के जो लोग होते हैं ये वंश, जो त्रिपुरी लोगों का वंश माना जाता है, त्रिपुरा के जो लोग होते हैं ये त्रिपुरी लोगों के वंश जो देवता माने जाते हैं, 14 देवता, उनकी पूजा यहाँ पर इसके दौरान की जाती है। और यहाँ पर एक मंदिर परिसर है अगरतला में, वहीं पर ये त्यौहार मनाया जाता है बेसिकली, तो ये याद रखिएगा। और काफी सारे त्यौहार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, कोहिमा, इस तरह से अलग अलग जगहों के आपके त्यौहार पूछे जाते हैं, तो इनको एक नजर आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, आपको बताना है। मध्य प्रदेश का इसमें से सबसे पूर्वी जो जिला है ये सिंगरौली जिला है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का मैप है, अब हमने ऐसे ही बना दिया है, इस तरह से मैप नहीं बनता है, हम जस्ट आपको क्वेश्चन समझाने के लिए कर रहे हैं। ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है आपका, ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। तो ये जो आपका सिंगरौली है ये यहीं पर है, तो ये पूर्वी हो गया। इधर आपका उत्तर में, उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा में उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे उत्तरी जिला यहाँ पर मुरैना जिला आता है, ये हो जाएगा, क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दक्षिणी जो जिला है ये आपका है बुरहानपुर, जिसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। और वहीं अगर आपसे पश्चिम में पूछा जाए तो यहाँ पर अलीराजपुर आता है, अलीराजपुर, याद रखिएगा। ये चारों जिले हमने आपको बता दिए, चारों तरफ के, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, सबसे बड़े और पूर्वी पश्चिमी इनसे रिलेटेड, तो हम आपको बता दें गाइस, ये तो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये आपका इंदौर है, इंदौर। सबसे छोटा शहर कौन सा है, इस तरह से भी, तो देखिए छोटा नहीं पूछा जाता है, बड़ा ही पूछा जाता है, इंदौर है सबसे बड़ा शहर। इसके अलावा सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है, ये तो पता चल चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छिंदवाड़ा जिला आता है। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, ये इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये निवाड़ी जिला है। निवाड़ी के बारे में ऑलरेडी हम चीजें आपको कवर करवा चुके हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और नवनिर्मित जिला भी आपसे पूछे तो ये भी आपका निवाड़ी रहेगा। गाइज हम आपको बता दें, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आपका आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और एमपीजी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ये है। इसके अलावा ई बुक है हमारी 2022 की एमपी करंट अफेयर की, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इनके डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी हम करंट की अपडेट आपको सबसे पहले अपडेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंसूर अली खान पटौदी का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था। मंसूर अली खान पटौदी का जो जन्म हुआ था, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, भोपाल हमारे यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं इस साल 2022 में, तो याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट लेवल के हैं। देखिए मंसूर अली खान जो पटौदी है, इनका जन्म भोपाल में हुआ है, ये तो आपको पता चल ही चुका है। कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 5 जनवरी को, 5 जनवरी को इनका जन्म हुआ है, याद रखिएगा स्पेशली क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा अगर पटौदी की बात करें गाइस, तो पटौदी के बारे में हम थोड़ी सी चीजें कवर करेंगे, पर पहले आपको हम बता दें कि ये जो थे कौन, मंसूर अली खान, इनको टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ये थे, क्लियर है। इसके अलावा एक और चीज बताने वाली है, देखिए इनसे पहले इफ्तियार अली हुसैन सिद्दीकी जो थे, ये पटौदी रियासत के 8वें नवाब थे, है ना, और इनकी मृत्यु के बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में मंसूर अली खान जो पटौदी है, मंसूर अली खान पटौदी, ये इस रियासत के 9वें नंबर के नवाब बने थे। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। अब हम आपको बताते हैं कि पटौदी क्या है। देखिए नवाब की पटौदी उत्तर भारत की एक रियासत थी, क्या थी, उत्तर भारत की एक रियासत थी नवाब की पटौदी, और इस पटौदी की जो स्थापना हुई थी ये 1804 में हुई थी, 1804 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1804 में। और गाइस 1952 से लेकर 1971 तक पटौदी के नवाब थे, याद रखिएगा। और 1971 के बाद में, 1971 में भारतीय संविधान में संशोधन के बाद इस राज्य को भारत सरकार में मिला दिया गया। कब मिलाया गया था? 1971 के बाद में। तो 52 से 71 के बीच में नवोदी के किसके, तो देखिए यहाँ पर जो नवाब जो पटौदी है इसके नवाब हुए हैं, पटौदी के नवाब जो हुए हैं ये हुए 52 से 71 के बीच में, 71 के बाद में इसको भारत के राज्य में मिला दिया गया, भारत में मिला दिया गया था इसको, तो आप याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नवाब पटौदी को भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में किसे जाना जाता है? तो नवाब पटौदी जो है इनको भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में जाना जाता है। और नवाब जो पटौदी है जिनको हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री है शर्मिला टैगोर, इनसे इन्होंने शादी की है। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है? देखिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आप सभी को बताइए 1 नवंबर 1956 है, तो 1 नवंबर यहां से हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी में चंदेरी शहर की स्थापना किसने की थी? तो चंदेरी शहर की स्थापना की थी राजा कीर्तिपाल ने, कीर्तिपाल, यहां से हमारा ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अब थोड़ी सी स्पेलिंग यहां पर आपको मिस्टेक मिल सकती है, और गाइज आपको एग्जाम में भी स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है, 110% मिलती है, बहुत सारी एग्जाम में भी जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें गलतियां देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं तो ऑप्शन ही गलत रख देते हैं आपके, तो इस तरह की काफी ज्यादा गलतियां जो है एग्जाम में भी आपको मिलती हैं। तो याद रखिएगा राजा कीर्तिपाल, अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर उन क्वेश्चंस को आपको सही करना होता है, वहां पर एग्जाम में भी अगर गलतियां मिलती है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लखनऊ समझौते की विशेषता नहीं है? इसमें से बताना है लखनऊ समझौते की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसमें से गाइस वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होना चाहिए, ये लखनऊ समझौते की विशेषता नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो ये जो भारतीय राज्य है मणिपुर है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें मणिपुर जो राज्य है ये नहीं बनाता है, और इसके अलावा और कौन कौन से जो राज्य है ये बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा नहीं करते, तो इसके अलावा एक अरुणाचल प्रदेश भी नहीं करता है, बाकी और भी राज्य है बट इधर वाले हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं तो हम आपको बता दें, एक तो त्रिपुरा हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक मेघालय हो गया। तो ये जो राज्य है मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये राज्य बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं, है ना, तो याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, तो भारत बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये कंट्री वाइज आपसे क्वेश्चन याद रखना है कि कौन सा देश करता है, तो भारत बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारत किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ में करता है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि असम और मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं या नहीं करते हैं, तो असम और मिजोरम जो है ये भी सीमा साझा करते हैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा इन सभी को हमने अच्छे से कवर करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है, कोची और कारावर भारत में किस प्रकार के बंदरगाहों के उदाहरण है? तो ये नौसेना बंदरगाह है, नौसेना बंदरगाह हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की थी? अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की थी 1867 में, 1867 हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहडोल जिला अधिक मात्रा में रिक्तिस्तान के उत्पादन करता है और अन्य राज्यों को निर्यात भी करता है, ये आपको बताना है किसका उत्पादन करता है। तो शहडोल जिला अधिक मात्रा में सहजन, जिसको मुंगना बोला जाता है, इसका उत्पादन करता है और अन्य राज्यों को भी निर्यात भी करता है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये सहजन एक पौधा होता है, अब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा रिसर्च करके किसका होता है, बट हमने नाम बता दिए, एक सहजन इसको बोला जाता है, दूसरा इसको मुंगना बोला जाता है, क्लियर है।
अब जिनको लोगों को पता है कि और क्या बोला जाता है इसको, वो कमेंट करके बता दे ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को 1956 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित किया गया था, ये किसे किया गया था? देखिए नरसिंहगढ़ जो अभयारण्य है, नरसिंहगढ़ अभयारण्य फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 1956 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित वन जो घोषित किया गया था नरसिंहगढ़ अभयारण्य को किया गया था। नरसिंहगढ़ अभयारण्य का पूर्व क्षेत्र जो है इसको बेसिकली देखिए नरसिंहगढ़ स्टेट के अंतर्गत आता था, ये नरसिंहगढ़ और राजगढ़ स्टेट हंटिंग रिजर्व था हुआ करता था पहले, और 1956 में के मध्य में भारत सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित इसको किया गया था। इसके अलावा गाइस 1971 में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और 1974 में यह जो क्षेत्र है अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से कभी भी बन सकते हैं आपके कि बताइए नरसिंहगढ़ अभयारण्य में ये 1956 में क्या किया गया था, संरक्षित वन घोषित किया गया था, 1971 में यहाँ पर शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था, और 1974 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। तीनों आप याद रखिएगा, तीनों ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभयारण्य है नरसिंहगढ़ अभयारण्य, ये नरसिंहगढ़ अभयारण्य ये जो अभयारण्य है बेसिकली टीडीखो अभयारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। नरसिंहगढ़ में के अंतर्गत आता है राजगढ़ जिले के अंतर्गत। इसके अलावा सबसे जो प्रमुख आकर्षण यहाँ का है टीडीखो तालाब है, जिसका जो स्वरूप है बेसिकली चिड़िया के आकार का है, इसलिए इसको टीडीखो तालाब के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि टीडीखो जो तालाब है ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो टीडीखो तालाब को नरसिंहगढ़ के महाराजा थे विक्रम सिंह, इनके द्वारा बनवाया गया था। और कब बनाया था इन्होंने? बनवाया था 1935 में इन्होंने बनवाया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि टीडीखो तालाब का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहगढ़ के महाराजा विक्रम सिंह ने 1935 में करवाया था। और इस तालाब का जो हेक्टेयर है कितना क्षेत्रफल है? तो 22 हेक्टेयर के समथिंग इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने बताए इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर किसके द्वारा मारे गए थे? ये मारे गए थे सरदार उधम सिंह के द्वारा। तो सरदार उधम सिंह हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत सबसे अधिक ई स्वास्थ्य आईडी कार्ड जारी करने में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? इसमें इंदौर जिला पहले नंबर पर है, शीर्ष पर रहा है। हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बार काउंसिलिंग की पहली बैठक निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? ये 1962 में हुई थी। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये ईरान है। भारतीय चाय का सबसे बड़ा जो आयातक देश है ये ईरान है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो महाकुंभ जो मेला है ये हर 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको बताना है औद्योगिक क्षेत्र है पीलूखेड़ी और ये राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो राजगढ़ हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष विश्व बैंक का गठन हुआ था? विश्व बैंक का जो गठन हुआ था 1944 में हुआ था, 1944 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए विश्व बैंक पांच जो विश्व बैंक जो समूह है ये पांच अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ऐसा समूह है जो सदस्य देश होते हैं उनको वित्त और वित्तीय सलाह देता है। तो ये विश्व बैंक का काम होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रिक्त स्थान नहीं थे। तो देखिए राम कुमार जो वर्मा थे ये हिंदी साहित्यकार, इतिहास और लेखक थे, कवि थे, नाटककार थे, ये गायक नहीं थे। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये गायक नहीं थे, याद रखिएगा। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है जो इनको हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। पद्म भूषण इनको दिया गया था 1963 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया था। इसके अलावा राम कुमार वर्मा के जो काव्य थे उनमें रहस्यवाद और छायावाद की झलक देखने को मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ था? चंदू सरवटे का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर में। सागर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इनका जन्म सागर में हुआ था। एक और चीज याद रखिएगा, चंदू सरवटे का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर त्र्यंबक सरवटे इनका पूरा नाम है। भारतीय क्रिकेटर है ये और एक फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ है चंदू सरवटे, याद रखिएगा। एक ऑलराउंडर ये थे, क्लियर है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर क्वेश्चन बने इनसे तो याद रखिएगा 1946 और 1951 के बीच के जो भारत के लिए नो टेस्ट मैच खेले थे तो ये इनके द्वारा खेले गए थे, याद रखिएगा। 1946 से 51 के बीच में जो नौ टेस्ट मैच खेले गए उसमें इन्होंने जो है खेला था ये सारे टेस्ट मैच। और इसके अलावा पूरा नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर त्र्यंबक सरवटे इनका पूरा नाम है। जन्म हुआ है सागर में। कब हुआ है? 1920 में हुआ है। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 22 जुलाई आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान में सचिव कौन है? देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के राज्य चुनाव आयोग के जो सचिव है
इनका नाम क्या है, इनका नाम है, पहले ये थे बी एस जामोद, पर अभी जो है अप्रैल 2022 में चेंज हो गए हैं। अब कौन बने हैं, तो अब बने हैं श्री राकेश सिंह बन गए हैं। अभी वर्तमान में श्री राकेश सिंह ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगर कोई वापस से चेंज होते हैं तो हम आपको इस चैनल पर तुरंत से अपडेट कर देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, वहां पर भी हम अपडेट दे देंगे। क्लियर है? तो 12 अप्रैल 2022 को ये बने हैं राकेश सिंह, इनके बारे में याद रखिएगा, अभी वर्तमान में यही है। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की बात करें कि इसका गठन कब हुआ है, तो इनका गठन, इसका गठन हुआ है 1994 में, 1 फरवरी को हुआ है 1994 में, और इसके अलावा 15 फरवरी 1994 से इसने काम करना शुरू कर दिया था मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने। और इसके मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो एन वी लोहानी थे, और वर्तमान में कौन है, बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था, शाजापुर को जो जिला घोषित किया गया था 1904 में किया गया था, 1904 हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी, मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1946 में 19 अक्टूबर को, तो यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और बैडमिंटन जो संघ है मध्य प्रदेश का ही कहां पर है, तो ये इंदौर में है गाइस, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी, देखिए मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी ये आपकी 1946 में हुई थी, 1946 में कहां पर हुई थी, जबलपुर में ये हुई थी, और इसको 1998 में इंदौर से इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया था, जबलपुर में इसकी स्थापना हुई थी, 98 में इंदौर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, शीत ऋतु में रबी की जो फसल होती है ये उगाई जाती है, रबी की फसलें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अब रबी की फसलें में कौन कौन सी आती है, जैसे कि गेहूं हो गए, जो चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी जो फसलें आती है ये रबी की फसलें हैं, इनको बेसिकली कब उगाया जाता है, शीत ऋतु में उगाया जाता है, और इनको वसंत जो ऋतु होती है, देखिए शीत ऋतु में इनको बोया जाता है और वसंत जो ऋतु होती है इसमें काटा जाता है, तो ये स्पेशली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सैलानी द्वीप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, सैलानी जो द्वीप है ये ओमकारेश्वर में है, ओमकारेश्वर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज आई थिंक आप सभी लोग इसको सैलानी रिजोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका ओमकारेश्वर में स्थित है, आप सैलानी रिजोर्ट सर्च करेंगे रिजोर्ट तो आपको मिल जाएगा आसानी से, और आप इसके बारे में याद रखिएगा, ये सैलानी द्वीप या रिजोर्ट आपसे पूछे जा सकता है एग्जाम में, ये आपका ओमकारेश्वर में स्थित है, जिला पूछे जाए तो खंडवा आपका सही जवाब रहेगा। भीम बेटिका रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है, भीम के बेटिका जो है रॉक सेल्टर्स के लिए जानी जाती है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, जोगेश्वरी देवी का जो मेला लगता है यह चंदेरी में लगता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। अशोकनगर जिले में आती है चंदेरी आपकी, यहाँ पर जोगेश्वरी जो देवी है इनका मेला आयोजित किया जाता है, और चंदेरी के शासक जोगेश्वरी देवी के एक भक्त थे ऐसा कहा जाता है, और उससे उनका जो कष्ट रोग की बीमारी थी, तो कष्ट रोग जो है उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था, और उसी समय से मेला जो है लगता चला आ रहा है, तो याद रखिएगा ये चंदेरी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है, अंबुबाची जो मेला मनाया जाता है ये मनाया जाता है असम में, असम हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, अंबुबाची मेला है ये, और असम के अंतर्गत एक गुवाहाटी है, असम की राजधानी गुवाहाटी, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला। क्लियर है? और काफी ज्यादा इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चंस और भी बन चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस थे इस वीडियो में हम कवर करवा चुके हैं, बाकी आपके लिए पीवाईपी हमने स्टार्ट कर दिया कांस्टेबल वाले, अब डेली एग्जाम तक आपको हम करवाएंगे, आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, टाइम निकालकर जरूर देख लिया करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनेंगे यहीं से बनेंगे, आपको हम बार बार इसलिए बताते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से 110% कर ही लेना है यार, क्योंकि यहाँ से तो 110% आपके क्वेश्चंस बनने हैं। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस हमारे आबकारी आरक्षक स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं ये कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस इसी टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, और इनसे काफी अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इन कोई ये जो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई डाउट है कुछ फेरीज तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाकी हमारे और भी कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इन सभी पर चल रहा है। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में आपको वीडियो कैसा लगा पहले तो ये बताइएगा आप कमेंट करके, ताकि हमें सपोर्ट मिले और पता भी चल पाए, मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस और हम लेकर आने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर आए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।